आप सबके पास साइकिल तो ज़रूर होगी, और साइकिल है तो उसमें व्हील भी होगा, और अगर व्हील है तो साइकिल का वो व्हील चलता भी होगा। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे सर्कल चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इसी रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड है, और जिससे हमारे सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब भी आपने टायर को चलते हुए देखा होगा ना रोड पर, तो उसका एक पॉइंट है जो कि रोड से टच होता है, इसी पे बेस्ड हमारी थ्योरम है। ये जो हमारे व्हील का पॉइंट रोड से टच हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दिखाई तो दे रहा है साफ साफ कि रोड से टच हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, लेकिन CBSE ऐसे मानेगा नहीं, उसके लिए आपको इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो इसका छोटा सा प्रूफ करते हैं। मेरे पास एक सर्कल है विद सेंटर O, अगर आप O से P का डिस्टेंस देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे स्केल से अगर OQ का डिस्टेंस देखेंगे तो ये 5.5 सेंटीमीटर है। OR का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट O से एक लाइन पर एक लाइन डाली जाती है और वो लाइन सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की है, तो 100% वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आप देख भी सकते हो बाकी सारी लाइंस जो हैं वो OP से बड़ी हैं और इंक्लाइंड है, सारी लाइंस 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, ये हम साफ साफ देख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम अपनी थ्योरम को प्रूफ करने में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो पी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओ इसका सेंटर है और ए भी जो है वो टेंजेंट है। आपने शॉर्ट वीडियो तो देखा होगा ना जिसमें क्लियर करा हुआ है टेंजेंट, सीकेंट एंड ऑल। तो सीधा सीधा सा हमें ये प्रूफ करना है कि जो OP है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ करने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ हमें लिखनी है, हमें पहले ये लिखना है कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, उसमें हमने एक पॉइंट R ले लिया है जो कि P से अलग कहीं AB पर है। अब OP जो है वो इक्वल है ओ क्यू के, क्योंकि दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। ओ आर जो है वो इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू आर के, जैसा आप फिगर में साफ साफ देख सकते हैं। OQ और OP दोनों बराबर है, तो मैं OQ को OP से रिप्लेस कर देती हूँ। तो इसका मतलब है OR जब OQ से बड़ी है तो OR OP से भी बड़ी होगी। बस ये पिछले एक्सपेरिमेंट में आपको सिखाई दिया था कि बस हमें ये प्रूफ करना है कि OR जो है बड़ी है और OP सबसे छोटी है, और जो सबसे छोटी है वही परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो बस हमने लिख देना है दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। इस थ्योरम का यूज़ करके हम सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं सर्कल की एक नई वीडियो के साथ। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।